नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मुझे एक कंपनी के बारे में जो फ्रॉड हो रहा है KBR कंपनी के नाम पर, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, उनमें से दो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने मुझसे KBR कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता करने के लिए कहा था, तो मैंने उन दोनों को आपस में मिलाया और आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहा। तो उन दोनों लोगों ने आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर की, उनके ऑफ़र लेटर शेयर किए, बातचीत की और जो भी है कंपनी की डिटेल निकालने की कोशिश करी। यहाँ से मैंने भी उनके लिए जो पॉसिबल हो सका वो मैंने उनकी मदद की। पर दोस्तों, जो भी निकल के आया है, जो उनको पता चला है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है और वो लोग फ्रॉड में फंस गए हैं। उनका कुछ पैसा भी ख़राब हो गया इस फ्रॉड के अंदर। उन्होंने बताया कि वो इंश्योरेंस के नाम पर, मेडिकल के नाम पर कुछ पैसे लेते हैं, नौकरी लगवाने के नाम पर कुछ पैसे लेते हैं। स्टार्टिंग में आपसे मेडिकल के लिए और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए आपसे 5,000 रुपये या कुछ $60 करके कुछ ऐसे पैसे लेते हैं। फिर आप धीरे धीरे उनके जाल में फंसते चले जाते हैं, ठीक है। फिर आपसे वो और पैसे की डिमांड करते हैं, आप सोचते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, चलो मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, काम हो रहा है हमारा, और आप इसके अंदर फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कंट्री में आप जॉब करने से पहले या किसी एजेंसी या एजेंट के थ्रू किसी भी जॉब में जाने से पहले पूरी तरह इंक्वायरी कर लें, अच्छी तरह उस कंट्री के कानून, रूल, रेगुलेशन पता कर लें कि इस कंट्री में जॉब के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पर, गूगल पर आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे बताने वाले, हेल्प करने वाले, उस कंट्री के बारे में आपको बता सकते हैं। जैसे कि मैं इराक के बारे में जानता हूँ, तो मैं यहाँ के बारे में जितना जानता हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर को या जो भी मुझसे कोई पूछता है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसकी वजह से है ये दोनों लोग का ज़्यादा पैसा ख़राब नहीं हुआ और ये फ्रॉड, बहुत बड़े फ्रॉड होने से बच गए हैं। तो दोस्तों, इन भाई साहब ने मेरे से अपनी रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे शेयर की है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अब आगे आप सुनेंगे उनकी आवाज़, जो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, रिक्वेस्ट की है वीडियो बनाने के लिए, और जो भी उन्होंने इस फ्रॉड के बारे में बताया है वो मैं अब आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, देखिए और सुनिए ध्यान से कि उन्होंने क्या क्या बताया है इसके बारे में। नरेंद्र भाई, ये जो मैं भेजा ना, ये वेस्ट कोर इमिग्रेशन है, इनकी तरफ से जो है ना ये ऑफर आ रहा है, क्या का इराक जाने का। इनके पास इराक का भी है, प्लस जो है माल्टा जाने का भी है, सही है। तो ये दोनों बातें आपको मेंशन करनी है आपकी वीडियो में, सही है। तो आपको मैं पहले में जो थीम है ना वो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं पूरा जो है ना आपको एक सेंटेंस में सुनको समझाऊंगा। पहले तो ये जो है ना, ये वेस्ट कोर जो है ये कंसल्टेंट है, ये कहाँ रहती है, ये है पंजाब की, सही है। तो इन लोग का दावा है कि भाई ये लोग जो है हम लोग को इराक भेजेंगे बोल के ऐड डाल के है। तो उसके बाद क्या है, हम लोग जो है उनको कंसल्ट करते हैं कि भाई डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन, कि आप कोई कौन से पोजीशन पर आप जो है ना इराक जाना चाहते हैं, सही है। ये पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट रख लो। जो भी जॉब सीकर्स वेस्ट कोर कंसल्टेंट को कॉल करते हैं ना कि भाई हम लोग को जो है फलाना जॉब चाहिए बोल के, तो वो लोग आगे से बोलते हैं कि भाई आप जो है ना आपका CV, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है आपको पता ही है ना कि CV, अपना एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट प्लस अपना पासपोर्ट और अपना जो है PCC सेंड करो बोल के बोलते हैं, ओके। इनका जो कॉन्सेप्ट है मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है ना एक पूरी सेंटेंस में आपको समझाऊंगा, ओके। उसके बाद क्या है, वो लोग बोलते हैं कि भाई PCC करा के भेजो। तो अभी क्या है, PCC कराने के लिए क्या होता है कि भाई आपको जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, सही है ना, वो आपको पता ही है। तो इसके लिए जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको वीज़ा चाहिए या फिर जो है आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। तो अभी आदमी क्या सोचता है, नॉर्मली आदमी क्या सोचता है, यार अभी PCC कहाँ कर रहा हूँ, पुलिस के चक्कर में कहाँ पड़ रहा हूँ। तो हम लोग क्या कहते हैं,
मैडम को जो है ना पूछते हैं, मैडम अभी जो है ना पीसीसी कराने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ये है वो है, अगर कुछ हम लोग एक्सेस बोलेंगे ना, वो लोग क्या कहते हैं कि भाई बोलो चलो मसला नहीं है, हम लोग जो है पीसीसी जो है हम लोग अरेंज कर लेंगे। किनके तरफ से? उनके तरफ से। उसके लिए वो कुछ चार्ज नहीं करते हैं, सही है। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग को कि ये जो इराक की जो कंपनी है बसरा में, उसके लिए आपको जो है इंटरनेशनल ट्रैवल्स इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपको 5,000 जो है, ये जो स्काईलेट है मैंने जो एड्रेस भेजा हूँ आपको विजिटिंग कार्ड, उस पे जो है हम लोग कंसल्ट करके उनके पास जो है ना 5,000 का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो लोग जो है आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से वो आपको ऑफर लेटर भेजते हैं। ऑफर लेटर में जो है आपकी जो है ना मार्केट से बहुत ज़्यादा सैलरी होंगी, ये बात जो है ना आपको नोट कर लेना होगा कि भाई करंट सैलरी जो है ना मार्केट से आपकी सैलरी ज़्यादा होंगी, ताकि आप जो है इनकी बातों में आ जाए। जब अपॉइंटमेंट लेटर आप साइन करके भेजने के बाद वो लोग कहते हैं कि भाई अभी आपको जो है ना रुकना पड़ेगा, हम लोग जो है आपका ऑफर लेटर जो है आप एक्सेप्ट कर दिए ना ऑफर लेटर, वो हम लोग जो है इराक की कंपनी को भेज दिए हैं। वो लोग क्या है उसको वो लोग एग्रीमेंट बना के भेजेंगे, ये जो भी मैंने आपको भेजा है ना ये एग्रीमेंट है, वो बोलेंगे कि आपको जो है ना एग्रीमेंट बनाने पड़ेगा। एग्रीमेंट बनाने के बाद जो है आपको वो लोग भेजेंगे एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट पढ़ लो, एग्रीमेंट पढ़ने के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी आपको एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद जो है शायद उसमें चेक करो नरेश भाई, $205 शायद कुछ है, ये वो लोग जो है एक्स्ट्रा मांगते हैं कई के लिए एज पर सिक्योरिटी डिपॉजिट। कई के लिए बोले तो कि भाई कल के दिन जो है आप जो हो सकता है जब वीज़ा आ जाए, वीज़ा आने के बाद जो है आप जाने के लिए मना कर देंगे वगैरह वगैरह, इसलिए जो है आपसे जो है $205 वो लोग चार्ज करते हैं और कहते हैं कि भाई जो है आपको वो जो $205 है जब आप ट्रैवल करेंगे, जैसे कि आपने ट्रैवल कर लिया जब में ज्वाइन हो गए, तो जो जो $205 है आपको रिटर्न कर देंगे। अब ये आज के हिसाब से $205 जो है वो तकरीबन 17,000 होते हैं, ओवरऑल पे 20,000 जो है वो लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए मांगते हैं। जब से ये कोरोना आया है तो काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, तो इस वजह से जो है ना जॉब के लिए बहुत सारे आदमी अभी लाइन में लगे हुए हैं, तो इसीलिए क्या है ये जल्दबाजी में वापस जो है गल्फ में जाके या फिर यूरोप में जाके कुछ कमाने के चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉड जो एजेंट्स है उनके हाथ में जाके लग जा रहे हैं। ऐसा जो है ना बहुत सारे फ्रॉड जो एजेंट है अभी पूरे इंडिया में भरे पड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या करना चाहिए हम लोग को जो है ना देख दिखा के, मतलब कोई अच्छा सा एजेंट देख के जिसका गूगल में वगैरह जो भी है उसके रिव्यू चेक करके उसके बाद ही जो है उन लोग को जो आके जो है ना हम लोग कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कोई फेसबुक में कुछ भी सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालता है ना, उसको जो है ना आप हम लोग जो है कभी भी उनके ऊपर जो है एतबार नहीं करना चाहिए। तो ये है मेन चीज़ इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, मैं भी जो है शुरुआत में मैं भी गल्फ में जॉब करता था, कोरोना के चक्कर में मैं इंडिया गया के रुक गया यहाँ पे, अभी जो है मैं भी जो है वापस जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो है इसी सिलसिले में मेरे को फेसबुक पे ये इराक का ऐड लगा, तो जाहिर सी बात है मैं कर रहा था कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ये जो है ऑयल फील्ड है, तो फिर भी जो है ना मैंने सोचा कि चलो यार एक बार जो है ना ट्राई करते हैं बोल के उनके नंबर पे जो है ना मैंने हाई बोल के अपना जो भी डॉक्यूमेंट है लाइक मेरी पासपोर्ट कॉपी, मेरी सर्टिफिकेट्स, मेरी सीवी और मेरी अपडेट फ़ोटो, ये सब जो है ना मैंने उनको शेयर कर दिया। तो उसके बाद जो है उनको मैं शेयर कर दिया, शेयर करके मैं जो है ना भूल भी गया, क्यों बोले तो आजकल जो है ना फेसबुक में बहुत सारे ऐड आते रहते हैं वगैरह, दूसरे दूसरे जॉब्स के आते रहते, दूसरे दूसरे कंट्री के, तो मैं उनके ऊपर फोकस कर रहा था, इनको तो मैं भूल गया। तो इन्होंने जो है ना मेरे को फिर में उन्होंने कॉल किया, कॉल किससे किया, मेरे नंबर पे कॉल नहीं किया लोगों ने, मतलब मेरा जो पर्सनल नंबर है
या फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है इस पर कॉल नहीं किया, इन्होंने जो है मेरे को व्हाट्सअप के थ्रू कॉल किया और मेरे को पहले जो है ना उन्होंने मैसेज डाला कि किसने, वेस्टकोर वालों ने। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये वेस्टकोर वाले जो है ये है पंजाब से, सेक्टर 23 या कुछ ऐसा है। तो मैंने मालूम किया है कि पंजाब में जितने भी बैठे हुए हैं पूरे फ्रॉड बैठे हुए हैं, इन लोग का काम यही है, इन लोग को ठगना है और दूसरा कुछ काम नहीं है इन लोग का। तो ये लोग क्या करें, मेरे को जो है ना कॉल करें कि भाई ऐसा ऐसा है, हम लोग जो है तुमको तुम्हारी CV हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, बोल के फॉरवर्ड करके हम लोग को नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जो है ना मेरे को ऑफर लेटर आ गया है। तो जाहिर सी बात है मैं जॉब ढूंढ रहा था, इसी चक्कर में मैं भी जो है ना बहुत खुश हुआ है कि भाई मेरे को जॉब ऑफर आ गया है और अच्छी सैलरी मिली है। तो दरअसल मैं अपने आप खुश हो गया। खुश होने के बाद उनको जो है ना मैंने फौरन गया जाके जो है उसको साइन करके, उसको जो है मैंने ऑफर लेटर को साइन करके भेज दिया लोग को। भेजने के बाद क्या हुआ, वो लोगों क्या बोले कि भाई ये जो इराक कंपनी है ये जो है US बेस्ड कंपनी है, इसीलिए जो है ना आपको वहाँ जाने के लिए आपको जो है इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। कौन सा इंश्योरेंस? ट्रैवल इंश्योरेंस। तो मैंने कहा कि मैडम मेरे को तो मालूम नहीं है वो ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह क्या होता है, तो कैसा करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग एक नंबर रेफर करेंगे, आप जो है उनके पास जाके अपना काम करवा लो। क्यों बोले तो ये जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस है ये इंडिया में कोई भी नहीं बनाता है, ये सिर्फ बनता है US में, आपको जो है ना उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना अपने तरफ से सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद क्या करेंगे, इनको ही बोलेंगे, इनको, इन लोग को पहले ही मालूम है, ये जो फ्रॉड बैठे हुए हैं ना इन लोग को मालूम है कि भाई एंड ऑफ द डे आप जो है ना उन्हीं के पास आगे उन्हीं को पूछेंगे। तो उन्होंने जो है आपको मेरे को बोला कि भाई जो है आप जो है स्काईलाइट बोल के एक है उनसे आप बात कीजिए और आपका जो है ना इंश्योरेंस बना लिए बोले। तो मैं उनको फ़ोन करा तो उन्होंने मेरे ख्याल से इंडिया के जो है 5,000 जो है वो लगते बोल के बोले। तो मैंने इंश्योरेंस बना लिया। उसके बाद जो है ना ये इतने शातिर है कि इन्होंने जो है ना अपना एक ईमेल आईडी भी बना लिया, यानी कि एक वेबसाइट भी जो है फेक वेबसाइट भी जो है इन्होंने ले ली है। तो इसमें क्या कर दिए, जैसा कि iraq.com को जो है ना उन्होंने बदला के उसमें जो है ना इनका नाम डाल दिए, सही है। डालने के बाद क्या हुआ, जब हम लोग यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी ऑफर लेटर आता है तो उसको क्रॉस चेकिंग करने के लिए या तो उस कंपनी को कॉल करते हैं या फिर जो है ना उस कंपनी को हम लोग ईमेल करते हैं कि भाई हम लोगों को ऐसा ऑफर लेटर आया है कि आपने ये ऑफर लेटर भेजा, क्या है जेन्युइन है वगैरह हम लोग पूछते हैं ना। तो कंपनी वाले अगर जेन्युइन रहते तो वो लोग हमको बोल देते हैं कि भाई हाँ बोले हम लोग आए जो है ना ये ऑफर भेजा है, आप जो है ना बिंदास आ सकते हो। तो ऐसा ही जो है ना इन्होंने क्या कर लिया, उनका जो है ना फेक वेबसाइट को तो इसके नाम से, इराक के जो ऑयल कंपनी के नाम से उन्होंने वेबसाइट बना के क्या किया, वही ईमेल आईडी जो है हम लोग को दे दिए। तो हम लोग उन्हीं को ईमेल करें तो उन लोग आगे से बोलेंगे भाई हाँ बोले ये कंपनी जेन्युइन है, हम लोग वो भेजे बोल के। तो मेरे को उनके ऊपर तकरीबन 100% यकीन आ गया। यकीन आने के बाद मैं जो है ना वो जाके इंश्योरेंस करवा दिया। इंश्योरेंस करवाने के बाद उनको जो है ना इंश्योरेंस भेज दिया। इंश्योरेंस भेजने के बाद फिर क्या हुआ कि भाई उन्होंने जो है हम लोग को तकरीबन 3 हफ्तों के बाद जो है मेरे को अग्रीमेंट भेजा। अग्रीमेंट क्या होता है कि भाई एक तो हम लोग ऑफर लेटर भेज दिए, ऑफर लेटर साइन करके भेज दिया, उसके बाद जो है अग्रीमेंट आता है। अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि भाई दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उन्होंने जो है किसी दुबई के जो इराक दुबई की जो ऑयल कंपनी है उसमें से उन्होंने चुराया था वो, मतलब वो जो फॉर्मेट है उनका फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में जो है ना पूरा मेरा नाम वगैरह लिख के फोटोशॉप में करके उन्होंने मेरे को जो है $205 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए बोले। तो मैंने इनको बोला कि भाई जब तक जो है ना मैं इनका फ्रॉड जो है मैं समझ गया था और मैंने उस टाइम पे जल्दबाजी करके वो जो वेबसाइट को मैं यकीन मान के जो है ना मैं सही मान के उनके ऊपर मैं भरोसा करके 5,000 डाल दिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ये जो वेबसाइट उन्होंने बनाया है
ये जो वेबसाइट उन्होंने बनाया है ये पूरा फ्रॉड है, तो पूरा मैंने इनका समझ में आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैडम ने कॉल किया तो मैडम को मैंने बुला के, मैडम ये जो आप कर रहे हैं ना ये पूरा फ्रॉड है, मेरे को सब मालूम हो गया है, आपकी जो है ना मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा बोला ना, तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक में रख दिया। तो ये जो फ्रॉड लोग हैं इनका बहुत बड़ा सेटअप है, ये छोटे मोटे फ्रॉड नहीं है, इनका बहुत बड़ा सेटअप है। अभी आप यकीन मानो कि भाई जैसा कि दिन में जो है ना ये लोग 10 आदमी को या 20 आदमी को इस चक्कर में ये लोग लेके एक एक आदमी से 5-5 हज़ार लेंगे, तो आप देख लो कि भाई इनका पैसा जो है कितना आएगा। मैं दिन में लोग का मेडिकल का नहीं कुछ भी, यहाँ पे जो है ना आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा। कौन से नाम पे फ्रॉड हो रहा, एक तो मेडिकल के नाम पे फ्रॉड हो रहा और बाकी का जो है ये फ्रॉड। तो ये जो भी बाहर जाने के लिए चक्कर में वीज़ा के लिए या फिर कहाँ जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लोग जो है थोड़ा ध्यान दे के कोई भी ऑफर लेटर आता है ना तो उसको जो है ना पहले आप वेरीफाई कर लीजिए। और दूसरी बात क्या है, विदाउट विदाउट इंटरव्यू जो है ना कोई भी आपको ऑफर लेटर भेजता है तो वो तकरीबन तकरीबन 100 to 200% जो है ना फ्रॉड है, उसको जो है ना आप यकीन ही मत मानो। विदाउट इंटरव्यू कोई भी जो है ना आपको लेता नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन ही ली इन भाई साहब की स्टोरी, इनके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हुआ है। तो आप लोग जागरूक रहें और पूरा ध्यान से काम करें, जो भी करना है, जहां भी नौकरी ढूंढनी है आपको, तो पैसा बहुत सोच समझ कर देना अगर आपको कहीं भी देना है। तो 10 लोगों से इंक्वायरी कर लीजिए, ठीक से यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा आपके पास। कहीं से अगर वीज़ा आता है तो उसको चेक करवा लीजिए, नकली है असली है। आजकल नकली काम बहुत हो रहे हैं, दुनिया भर के नकली डॉक्यूमेंट आजकल कहीं से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को चेक करने के बाद, 10 बार इंक्वायरी करने के बाद, लोगों से पूछताछ करने के बाद ही आप कहीं पैसा दें, वरना कहीं पैसा मत दें। खुद नौकरी ढूंढें, खुद भी नौकरी मिल जाती है, इंटरनेट पर सर्च करें, ठीक है। दूसरी कंट्रियों में जाके उनकी वेबसाइटों पे चेक करें, नौकरी ढूंढने के बहुत तरीके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों बच कर रहें ऐसे फ्रॉड लोगों से और अपना पैसा बचाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और भी आगे आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अभी मेरी शिरडी साईं बाबा की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि मैं आपको 2 ज्योतिर्लिंग, शिरडी यात्रा, शनि शिगनापुर और एलोरा केव्स के दर्शन करवा रहा हूँ। तो आप उसका भी आनंद उठाइए, उसे भी पूरा देखिए। धन्यवाद दोस्तों, और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।